कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत मज़े में होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हम समझा भी रहे हैं और क्लियर भी हो रहे हैं, और टेबल्स तो बिल्कुल रटने नहीं पड़ रहे हैं। और आज की जो मैथ की टेबल की जो सीरीज़ है, उसमें हम टेबल लेके आए हैं 18 का। कौन सा टेबल लेके आए हैं? 18 का। और इस 18 के टेबल में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो हमको ये देखना है इसका जो प्लेस है, कौन से प्लेस होते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से, वंस और टेंस। ठीक, हमारे जो प्लेस हैं उनको जरूर ध्यान रखना है, बिना उनके ध्यान रखे हम इजीली इसको नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो इसमें जो वंस की जो डिजिट है वो कौन सी है? 8। ये हमें क्लियर है। और टेंस की जो डिजिट है वो कौन सी है? 1। ओके, हमने पहले भी बताया है कि जो टेंस की डिजिट है हम उसमें आपको काउंटिंग लिखने के लिए बोलते हैं, और आप इसमें काउंटिंग लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये आपका क्या हुआ? 10। ठीक, क्लियर है। अब जो हमारा वंस की जो लाइन होती है उसके अंदर हमने लिखना होता है टेबल। अब 8 का टेबल सभी बच्चों को याद है, लिखते हैं। ओके, हमने यहाँ पर लिखा 8 का टेबल वंस की लाइन के अंदर। और अब हमने इनको क्या करना है, जो वंस के घर में टेंस के लोग आके बैठ गए हैं उनको हमने क्या करना है, उनको बोलना है कि भाई आप अपने घर में जाएं, ताकि हमें थोड़ा सा ग्रो करना है, हम अपना टाइम जो है 18 के टेबल पर लगा सकें। ठीक है, क्योंकि ये तो 8 का टेबल था ना, अब हमने बनाना है किसका? 18 का टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बॉक्स तैयार होगा वो, ये तो सिंगल डिजिट है, ये आपका जहाँ पर आ जाती है आपकी डबल डिजिट, उसको हम बॉक्स के अंदर ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? और ये हमारा बॉक्स में सिर्फ जो टेंस है वहाँ से हमारा क्या आया है? ओनली जीरो। तो सिर्फ इसके अंदर आया है जीरो। ओके, अब हम इसको लेते हैं, आपका 18 का टेबल बहुत इजी तरीके से, क्योंकि बहुत जो रटने का और ये लगता है कि यहाँ मिस्टेक है वहाँ मिस्टेक है, और जो हमारे मल्टीप्लिकेशन और आपके क्या होता है फैक्टर्स होते हैं और फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स, ये आगे आपके क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने ये सब चीज़ें ढंग से नहीं करी तो आपको मैं यहाँ पर बॉक्स में पूरे में प्लस लगा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, तो यहाँ प्लस ही नहीं होगा बॉक्स के अंदर। इसलिए मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर डबल था। अब ये कॉन्सेप्ट समझाना है कि जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको हमने कुछ ऐड ही नहीं करना है, क्योंकि हमारा ये लेफ्ट साइड का इधर बॉक्स खाली है। तो अब हमारा 18 का टेबल ध्यान से देखें, बिल्कुल रेडी टू राइट है। ठीक है, लिखने के लिए हमारा 18 का टेबल तैयार है। कैसे लिखेंगे? डिजिट का वैसे ही ध्यान रखना है। किस तरीके से? कि आपका जो वंस का डिजिट है 8 है, और उसके नीचे हमने जो 6 है वो एज इट इज़ लेना है, और बॉक्स के अंदर आपका क्या जा रहा है? बॉक्स के अंदर आपका क्या जाएगा? ये वंस और ये इधर टेंस, तो ये भी तो आपका दोनों डिजिट प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको प्लस करना है 2, 1, 3। ओके, फिर उसके बाद हमने टेंस की डिजिट में जो टेंस के बंदे आए हुए ना उनके घर पहुंचाना। ठीक है, अब हमने इसको एज इट इज़ उतार लेना 4 को, और 3 + 2 क्या करना है, हम इनको प्लस कर रहे हैं कि भाई आपके लोग हैं आप अपने घर में रखो। 3 2 5, मतलब 3 + 2 5 हो गया। अब आगे आपका वंस की डिजिट क्या है? 2, और यहाँ पे 4 + 3 क्या हो गया? 7। फिर आगे आपका 0 वंस की डिजिट है, 5 + 4 9 आपका, 8, 6 + 4 10,
समझ तो आ रहा है ना। ठीक है, आ गया अपन, आ गया 6 और 7 + 5 = 12। ठीक है, फिर आपका आया 4 वंस की डिजिट है और 8 + 6 क्या हुआ 14। 2 आपका एज इट इज वंस की डिजिट और 9 + 7 का 16, 0 आ गया। फिर 10 + 8 में आप क्या करेंगे, ये 0 की जगह यहाँ पे लाएंगे तो 8, जैसे हमने सबको प्लस किया तो आपका 18। ओके नाउ क्लियर, हमारा 18 का टेबल रेडी है। मेरे साथ साथ बोलो ताकि आपको याद भी हो जाए और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। 18 1 = 18, 18 2 = 36, ठीक है, 18 3 = 54, 18 4 = 72, 18 5 = 90, 18 6 = 108, 18 7 = 126, 18 8 = 144, 18 9 = 162, 18 10 = 180। नाउ कंप्लीट 18 का टेबल। और अब हम आपको इसके अंदर 9 to 19 तक टेबल कंप्लीट आपको वीडियोस दे चुके हैं और आगे हम आपको जो हमारी नई वीडियोस आएंगी उसमें 21 से लेकर आपकी 30, फिर 40, फिर 50, इसी तरीके से हम 100 तक आपको टेबल देंगे। और अब की बार तो हमने जैसे आपको 9 से लेकर 19 तक एक एक टेबल लेके दिखाया, बट अब हम आगे आपको हर जैसे 21 से लेकर 30 तक के बीच में 2 या 3 टेबल देंगे। बाकी प्रोसेस यही है, आप खुद कोशिश करिएगा। सिर्फ 19 में हमने आपको 2 ट्रिक बताई थी, बाकी सब में आप सिंपल यही तरीके से और अपना मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न फैक्टर ये सब चीज़ें आप अपना बिल्कुल ओके करिए। ओके, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और अपनी मैथ को बहुत अच्छे से करें। ओके बाय।